गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्विर्की अंकिता। वेल, मेरी मॉर्निंग हो गई है बहुत अच्छे से। ऑल्दो अभी मेरी हालत थोड़ी सी ऐसी रहती है क्योंकि अभी प्रेगनेंसी का मेरा ये लास्ट मंथ चल रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी तो रहती रहती है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब मैनेज हो जाता है। एंड यहाँ पर अब मैं अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कैसा रहता है मेरा रूटीन। तो ये देखिए, मेरी बालकनी में बहुत प्यारे से फ्लावर्स भी आ गए हैं क्योंकि ये समर्स के ही फ्लावर रहते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। एंड मॉर्निंग का व्यू तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअली मेरी लास्ट प्रेगनेंसी में और इसमें दोनों में मेरा थायराइड बढ़ा है। एंड इट्स नॉर्मल कि क्योंकि इतने हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं तो ये हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पर अपनी थायराइड की मेडिसिन जो खाली पेट मुझे लेनी होती है वो ले रही हूँ। एंड ये मैंने कुछ आलमंड भिगो के रखे हुए थे जो कि माइंड के लिए और फ्रेशनेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड अब मैं जा रही हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक लिटरली गाइज, मतलब ये सबके लिए ही ज़रूरी है, लेकिन एक प्रेग्नेंट वीमेन एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकती है, तो उसके लिए बहुत मैंडेट है कि एक टाइम पर, मतलब किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में अगर आप करते हैं तो वो थोड़ा सा और भी अच्छा रहता है। आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बना रहता है और हेल्थ वाइज भी ठीक रहता है, फ्रेशनेस बनी रहती है पूरे दिन की। सो दैट्स व्हाई मैं जस्ट रेडी हो रही हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। ऑल्दो हर चीज़ में अब मुझे परेशानी होने लगी है क्योंकि टमी मेरा थोड़ा सा बढ़ गया है और मैं अपने लिए टाइम की बात करूँ तो मेरे लिए ये टाइम परफेक्ट होता है मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि अभी कियारा सो रही है, नितांत भी सो रहे हैं, तो मैं फटाफट से अपनी वॉक अच्छे से करके आ जाऊंगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट लंच बनाऊंगी। करने के बाद मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ जो कि अभी मैंडेट है, एंड उससे हेल्थ भी ठीक रहेगी, बीबी की हेल्थ भी ठीक रहेगी। ऑल्दो कभी कभी मैं बाहर करती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पर ही करती हूँ क्योंकि उसके साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी वगैरह भी करती रहती हूँ। ये गाइज, मैं ऐसी एक्सरसाइज कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं होती है, जिससे कि बेबी को भी परेशानी नहीं होती है, जैसे कि आर्म रोटेशन एंड स्ट्रेचिंग, अप स्ट्रेचिंग, डाउन स्ट्रेचिंग एंड लेफ्ट एंड राइट स्ट्रेचिंग, बस थोड़ी बहुत, जिससे कि बॉडी थोड़ी मूवेबल रहे। तो यही सब है। एक ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। नॉर्मली ये सारी एक्सरसाइजेज डॉक्टर भी बताती है, मेरी लास्ट डॉक्टर ने मुझे बताया था एंड वही मैं जस्ट फॉलो कर रही हूँ। और आजकल मेरे को हेडेक भी बहुत होता है गाइस, तो हेडेक के लिए आप नेक रोटेशन वगैरह कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो मैं वो सब करती हूँ। लेकिन कभी कभी थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हम सबको इवन करना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को तो ज़रूर ही करना चाहिए। एंड गाइज, एक्सरसाइज करते समय ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि आपके बेबी को परेशानी ना हो, क्योंकि जहाँ आपको थोड़ा सा भी पेन एक्स्ट्रा लगे तो आपको वो एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी बहुत थोड़ा सा रिलैक्स लगता है, इस वजह से मैं कर लेती हूँ एंड कर पाती हूँ, दैट्स वाई।
कि आलोम विलोम भी बहुत अच्छा रहता है ब्रीथिंग के लिए एंड और भी सारी फ्रेशनेस वगैरह के लिए हेल्थ वाइज। आप इसे भी कर सकते हैं जो कि प्रेग्नेंट वीमेन के लिए तो ऐसी एक्सरसाइज ही सब लोग प्रेफर करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मेडिटेशन, क्योंकि ये आपके पीसफुल माइंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं क्यारा को वेकअप करने जा रही हूँ। ये मेरा बाबू उठ गया है सोना। हाँ थोड़ा सा मम्मा खेले। जय 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 चल। कायू वेकअप हो गए तो उसे पॉटी पेस कराने के बाद मैं अब करूँगी ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी। एंड ब्रेकफास्ट गाइज सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चलता है। लंच भी ऑल तो होना चाहिए लेकिन ब्रेकफास्ट उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक ग्लास अपना ज़रूर एक जूस बनाती हूँ, जैसे कि अभी मैं एक शेक बना रही हूँ, बनाना शेक आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसमें कुछ बाद में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मेरी बेटी पसंद नहीं करती, इस वजह से मैंने नहीं डाले हैं। एंड ये देखिए आपका बनाना शेक रेडी है। कभी कभी मैं मैंगो शेक भी बना लेती हूँ, जैसे कि सीज़न चल रहा है तो मैंगो शेक भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बाद में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा मैंगो शेक भी रेडी हो जाएगा। कभी कभी शेक नहीं बना पाती हूँ तो मैं सिंपल एक ग्लास दूध ले लेती हूँ, क्योंकि होता है ना कभी कभी तबीयत ख़राब रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक प्रेग्नेंट वीमेन के साथ। तो कोई नहीं, एक ग्लास आप दूध ले सकते हैं और उसमें भी आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं। ये देखिए मेरा बनाना शेक रेडी है, बड़ा ही यम्मी था। एंड इसके साथ मैं बनाती हूँ कोई एक ब्रेकफास्ट। अभी यहाँ पर मैं बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, छोटी छोटी, जैसे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या क्या ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेजिटेबल ब्रेड सैंडविच बनाया हुआ है जो कि मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। एंड ये है डोसा जो कि मैंने ऑर्डर किया था, पता नहीं क्यों बहुत मन हो रहा था। एंड कभी कभी गाइज मेरा आलू का पराठा खाने का बहुत मन होता है, लिटरली मतलब आलू का पराठा तो ऐसा है मैं नॉर्मली हर तीसरे चौथे दिन बनाती हूँ अपने लिए। तो पता नहीं होता है ना कि ऐसे टाइम में क्रेविंग होने लगती है, तो वही मेरी क्रेविंग होती है। तो ये आलू के पराठे की क्रेविंग मुझे बहुत होती है। कभी कभी आप पकौड़े भी बना सकते हैं एंड हलवा भी बना सकते हैं सूजी का, जो कि लाइट भी रहता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन के लिए आप एग का ऑमलेट जरूर बनाइए गाइज। ये मेरे घर में ऑलमोस्ट डेली बनता है, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है तो मैं दो एग का एक ऑमलेट जरूर लेती हूँ। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सिंपल सा, और अपने में आप वेजी भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। ये मैंने कुछ कटलेट बनाए हुए थे एंड ये सूजी का उत्तपम जो कि बहुत 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 अच्छा लगता है मुझे एंड मैं खाती भी हूँ अच्छे से। एंड गाइस ये है मेरा फेवरेट दलिया। यू डोंट बिलीव कि ये बहुत अच्छा बनता है, जिसमें मैंने फ्रूट्स भी डाल दिए हैं थोड़े से। फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मेरी बेटी एप्पल बनाना पसंद करती है तो मैं वही डालती हूँ। ऑल तो मुझे पहले नहीं अच्छा लगता था बट अभी क्यारा के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है एंड इट्स न्यूट्रिशियस ऑल्सो। यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ गाइज आपके साथ लंच। लंच एक्चुअली मैं बता देती हूँ, मैंने आटे में थोड़ा सा एमेंड किया है। आटे में मैं अपने गेहूं के आटे में सोया आटा कभी कभी मिलाती हूँ,
कभी कभी चने का आटा मिलाती हूँ, कभी कभी जो मिस्सी रोटी का आटा आता है मार्केट से वो मिला लेती हूँ थोड़ा सा। तो उससे क्या है, आपकी जो रोटी है वो और थोड़ी सी न्यूट्रिशियस हो जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मैं पालक भी मिला लेती हूँ थोड़ा सा। गाइज, ये मेरा अभी का सबसे फेवरेट है, आप हंसेंगे ज़रूर। जैसे रोटी बन रही होती है ना, मुझे पता नहीं क्यों खुशबू आने लगती है, क्रेविंग होने लगती है कि मैं उस पर नमक मिर्ची लगा के जल्दी से खा जाऊँ। गाइज, दिस इज टू डिलीशियस। बाय गॉड, कंट्रोल ही नहीं होता मुझे। कितना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। एंड खाना मेरा गाइस सिंपल रहता है, बस कॉन्स्टिपेशन की वजह से मैं थोड़ा सा सैलेड एक्स्ट्रा लेती हूँ, ये तो कम है, और मिर्ची बहुत खाती हूँ। कायू ले आई है मुझे नीचे घूमने के लिए, ऑल दो मुझे बहुत आलस आता है, बट कायू के बहाने मैं भी नीचे आ जाती हूँ, वो अपना खेल लेती है, मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ एंड अपने कुछ फ्रेंड से भी मिल लेती हूँ, जिससे कि उनसे मिलना हो जाता है। ये क्या हो रहा है? सब लोग एक साथ बैठ गए। कायू जब भी पार्क आती है ना, मतलब ये समझो कि उसे सारे के सारे गेम्स ट्राई करने होते हैं, एक भी उसके अकॉर्डिंग छूटा नहीं चाहिए। वेल, कायू के बहाने मेरी वॉक हो जाती है, एज डॉक्टर सैड कि मुझे वॉक करनी चाहिए। इवन सारे की सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को वॉकिंग बताते हैं, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए बहुत 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 अच्छी रहती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो कर नहीं पाते हैं, तो यही है, मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, वो खेल लेती है। कभी कभी नितांत भी आ जाते हैं, जल्दी ऑफिस से आ जाते हैं, तो नहीं तो हम लोग कभी कभी डिनर के बाद भी आ जाते हैं, तो बस ऐसे ही वॉकिंग वॉकिंग हो जाती है। आज नितांत थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, तो हम लोग वॉक कर रहे थे यहीं पर, नितांत थोड़ा सा पार्क में बैठ गए थे एंड कायू एज यूजुअल अपनी मस्ती में लगी रहती है। अभी मैं थोड़ा सा ग्रास पे भी वॉक करने लगी हूँ, जिससे कि मेरा बीपी नॉर्मल रहे, ब्लड प्रेशर मेरा थोड़ा सा अप एंड डाउन रहता ही है अभी, क्योंकि इट्स अ 9 month गाइस एंड अब लिटरली अब वेट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी थोड़ी सी ना बॉडी की प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ तो अंडरस्टैंड कर ही सकती हैं कि क्या क्या इश्यूज़ होते हैं इस मंथ में, जो लास्ट मंथ चलता है। वेल, कोई नहीं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ आर लाइफ, सो कोई नहीं, गुड न्यूज़ आने को है, सो बी हैप्पी। एंड गाइज, यहाँ मैं नाइट में लेती हूँ अपनी कुछ मेडिसिंस, ऑल दो ये मेडिसिन हैं जो मेरी अभी चल रही हैं प्रेगनेंसी में, ये मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक आयरन की ऑरोफर, एंड ये सेल्कल SD है जो कि कैल्शियम के लिए दी गई है मुझे, ये फॉलिक एसिड है, एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ विटामिन D3, जो कि मैं वीकली वीक में एक बार ले रही हूँ, एंड ये इसका टाइम ड्यूरेशन सारी मेडिसिन का अलग अलग है, तो वो मैं अकॉर्डिंगली लेती हूँ। लेकिन लिटरली इतनी सारी मेडिसिन लेते लेते ना, खैर अभी तो आदत हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी तो। हाँ, लेकिन कोई नहीं, बेबी की हेल्थ के लिए एंड मेरी हेल्थ के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। एंड ये मैं लेती हूँ यहाँ पर मामाज का प्रोटीन एक्स पाउडर, जो कि मैं 2 स्पून लेती हूँ मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ पर। एक्चुअली मैं इसे एक बाउल में मिला लेती हूँ पहले, क्योंकि मुझे पूरे दूध में मिलाना पसंद नहीं है, तो मैं एक बाउल मिल्क में इसे मिला कर ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं 1 glass मिल्क अच्छे से ले लेती हूँ। दैट्स इट, तो ये मेरा नाइट का था। इसके बाद मैं जाती हूँ अपनी बेटी को थोड़ा सा कपड़े अपने क्लोथ्स वगैरह चेंज करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन के क्लोथ्स तो बहुत ही ज़्यादा स्वेट करते हैं एंड स्मेल हो जाती है, इसके बाद उसे सुला देती हूँ। लेकिन अभी मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं गाइस, तो एग्ज़ाम्स के लिए मुझे पढ़ना भी होता है, उसके सुलाने के बाद ही मेरे को टाइम मिल पाता है पढ़ाई के लिए, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी स्टडी एंड रात के 12:01 हो रहा है, एंड स्टडी करते करते लिटरली बता रही हूँ मैं, मुझे बहुत नींद आती है, लेकिन
क्या करें, करना तो पड़ेगा। एंड हेडेक भी बहुत हो जाता है क्योंकि बहुत दिन बाद स्टडी हो रही है। ये देखो यॉनिंग भी यॉनिंग होती रहती है मुझे। इस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड प्रेग्नेंट वीमेन के लिए फ्रूटफुल भी रहेगा। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट एंड सजेशन फॉर मी देन यू कैन कमेंट इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।